a warming welcome on our youtube channel learn english with sabir today in this video we are going to discuss a poem of class 10th when you are old written by w.b yeats before starting the poem let's know some important thing about the poet wb yeats william butler yeats was born 13th of june 1865 and he was died in 28th of january in 1939 dear students and viewers the poem which are we discussing today is uh, addressed poets beloved uh, mona gone mona gone let's start the poem poem is consists of three sentences in every sentences have four lines Dear students i will explain the <coughs> poem english into Urdu. in the first sentences first line when you are old and grew and full of sleep <coughs> and nodding by the fire take down down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep पॉइंट यहाँ पे क्या कहते हैं जो पहला सेंटेंस आया पहला सेंटेंस है कि चार लाइनों में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉइंट का नाम जो टाइटल है वो क्या है वेन यू आर ओल्ड कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ने अपनी बिलाविड को एड्रेस की है जिसका नाम माडा है तो पॉइट जो है प्यार करते थे लेकिन उन्होंने जो है उनके प्यार का कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसी दसना में इसने बहुत सारी पोइमें जो है उन पर लिखी है उन्हीं पोइमों से एक ये फेमस पोइम है तो इस पोइम की पहली लाइन में क्या है वेन यू आर ऑल्ड एंड ग्रू एंड फुल ऑफ द स्लीप जब आप भूरे हो जाओगे आपके बाल जो है भूरे हो जाएंगे आपका कलर जो है वो भूरा हो जाएगा और तो आप जो है थकान से भरे होंगे आप थकान महसूस कर रहे होंगे तो फिर आप दूसरी लाइन में क्या कह रहा है एंड नॉडिंग बाय द फायर तो आप आग के पास बैठ के जो है झटके लग रहे होंगे आपको आपका सिर जो हिल रहा होगा आपको नींद आ रही होगी टेक डाउन दिस बुक उस टाइम आप ये किताब नीचे उतारने कौन सी किताब जिस किताब में बहुत सारी पॉइमें जो है इसने अपने बुलाविट्स पे लिखी हैं ठीक है एंड स्लोली रीड और इनके आहिस्ता आहिस्ता इन पोइमों को पढ़ना एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक और आपको अपना पास्ट आपको अपना माजी जो है याद आएगा ठीक है वो आपको खूबसूरती के दिन वो जवानी के दिन वो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी क्यों थी। क्योंकि जब पॉइट ने जो है जो पॉइम लिखी थी उसने कुछ ऐसी चीज़ें जो है मैंशन की हैं इन पोइमों में तो जो उनको इमेजिन कराती है उनका पास्ट योर हैड वंस एंड ऑफ दियर शेडोज़ डीप आपकी आँखें एक मरतबा फिर जो है उस गहराई में डूब जाएँगी उस आपकी खूबसूरती की याद दिलवाएंगे आपकी जवानी के पल उन दिनों की याद दिलवाएंगे ठीक है तो पहले सेंटेंसा में शायर अपने बिलाविट से कहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उनके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक में बहुत सारी पोइमें थी तो आप जब बूढ़े हो जाओगे आप जब आग के पास बैठोगे आपको नींद आ रही होगी आप थकान महसूस कर रहे होंगे तो आप जो है ये किताब उस टाइम पढ़ लेना तो आपको ख्याल आएगा ठीक है आपका आंखें जो एक दफ़ा फिर उस गहराई में उन चीज़ों में और अपना पास में जो डूब जाएंगे ठीक है चलिए आप सेकेंड सेंटेंसा में क्या कहते हैं हाउ मैनी लव इड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लेट ग्रेस एंड लव लवि योर ब्यूटी विद द लव फॉल्स आर ट्रू बट वन मैन लव इड दिलगम सोल इन यू एंड यू लव इट एंड लव इट द ऑफ इड चेंजिंग फेस क्या बोलता है एंड हाउ मैनी योर मोमेंट्स ग्लैट एंड ग्रेस उन लम्हों में जब आपसे बहुत सारे लोग प्यार करते थे जब आप खुश थे आप जवान थे आप खूबसूरत थे ठीक है तो आपके साथ बहुत सारे लोग प्यार करते थे बे बेशुमार लोग जो आपके साथ प्यार करते थे एंड लव इट यूर ब्यूटी वो आपकी खूबसूरती से प्यार करते थे विद लव फॉल्स आर ट्रू चाहे उनका प्यार वो सच्चा था या झूठा था लेकिन बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते थे लेकिन उन्हीं बहुत सारे लोगों में एक ऐसा इंसान बट वन मैन लव इट दिल्गम सोल इन यू एक ऐसा इंसान जो रूहानी प्यार आपसे करता था जो रूह मतलब दिल से प्यार करता था आपका जिसका प्यार आपके लिए कभी ख़त्म ही नहीं हुआ ठीक है एंड लव इट द सो ऑफ योर चेंजिंग फेस और अब वो तब भी आपको प्यार करता था जब आप गमगीन गमों में थे और आपकी जो है खूबसूरती ढल रही थी आपकी खूबसूरती के दिन जा रहे थे जब आप बुढ़ावे की तरफ जा रहे थे तब भी वो आपसे प्यार करता रहा तो इस सेंटेंसा में क्या कहता है कि वो पल वो पल याद आपको वो पल याद आएंगे जब आप खुश हुआ करते थे आप ख़ूबसूरत हुआ करते थे वो जवानी के दिन आपको याद आएंगे उन लम्हों में बहुत सारे लोग आपसे आपकी खूबसूरती से प्यार करते थे चाहे वो प्यार सच्चा था या झूठा था ठीक है कितने लोग आपसे सच्चा प्यार करते थे कितने लोग आपसे झूठा प्यार करते बट उन बहुत सारे आदमियों में से एक ऐसा आदमी एक खूब ऐसा आदमी क्यों था वो खुद शहर थे डब्ल्यू बी ईट्स जिन्होंने बहुत बेपनाह प्यार किया उन्होंने रूहानी प्यार करते थे उन्हें दिलोजान से चाहते थे तो क्या कहता है लास्ट वाले लाइन में कि मैं आपसे तब भी प्यार करता था जब आप गमों में डूबे हुए थे आप परेशानियों में थे आपकी खूबसूरती जो वो ढल रही थी आपके जो है वो शक्ल जो चेंज होती जा रही थी मैं आपसे फिर भी प्यार करता था चलिए अब लास्ट वाले सेंटेंस जरा मैं क्या कह रहे हैं शायद एंड बैंड बार मरमर आई लिटल हाउ लव इज फ्लैट एंड पेस्ट

उसी तरीके से जब इंसान में वीकनेस आती है तो इंसान की खूबसूरती बहुत सारी चीज़ें इंसान की ख़त्म हो जाती हैं ठीक है इंसानों का कलर चेंज हो जाता है और उनके बालों का कलर चेंज कहा जाता है बास मरमर लिटल सैडली हाउ लव फ्लैट आपको जो है एक आवाज़ सुनाई देगी ठीक है आवाज़ जो है बड़ी गमगीन आवाज़ होगी ठीक है जिसमें जो है आपको एक एक महसूस होगा कि आपका प्यार आपसे दूर कैस तरह चला गया ठीक है इस लाइन को मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा एंड द ग्लोइंग बॉस एंड म मिटल सैडली हाउ लव फ्लैट कि आप जब आपकी खूबसूरती ढल रही होगी आप बुढ़ापे में जा रहे होंगे आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको तब जो है एक आवाज़ सुनाई देगी जब ये बुक पढ़ोगे आप ठीक है तो उन आवाज़ों में आपको क्या सुनाई देगा कि आपका प्यार आपसे दूर किस तरीके से चला गया थोड़ी सी गमियाँ आपको महसूस होगी एंड पे पेश अपॉन द माउंटेंस ओवर द हेड उन पहाड़ों की ओर जो है वो चला गया जिस तरीके से बादल जो है बादलों का कोई क्रोड आता है तो वो किस पहाड़ों के ऊपर चला जाता है ठीक है उसी तरीके से पहाड़ों के ऊपर से जो है आपका प्यार उड़ के चला गया एंड हाई डिज़ फेस एम इट द करोड ऑफ द स्टार्स तो सतारों के पीछे सतारों के झुंडू के पीछे कहीं छुप गया ठीक है उनका चेहरा जो है सतारों के झुंडू के पीछे छुप गया तो ये थी आज की पॉइम वेन यू आर ओल्ड जो डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखी थी ठीक है इनकी बहुत सारी और भी पोइमें हैं तो इस पॉइम में जो है कुछ अहम चीज़ें और हैं जैसे है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है ए बी बी ए ठीक है पॉइम जो है वो पें आ, पेंटामीटर्स में लिखी गई है तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो है पॉइम के पोइम के बारे में हैं तो इंशाल्लाह वो सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे